नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जगन्नाथ। मैं हूं सुमन, फिर आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल सुमन सौरभ ब्लॉग्स। तो क्या करें भाई लोग, थोड़ा मतलब वीडियो रेगुलर पोस्ट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए थोड़ा पोस्ट नहीं कर पा रहा हूं। पर कोई ना, मैं अपना ट्राई कर रहा हूं बेस्ट देने के लिए, ताकि मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट कर सकूँ। तो बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा मिनी ब्लॉग आया, ये थोड़ा मिनी ब्लॉग है। जैसे मैं अपने मतलब हॉस्टल संबलपुर से जा रहा हूँ बालेश्वर, मेरे होम टाउन को, थोड़ा सा छोटा सा जर्नी है, तो उसी को कैप्चर करके दिखाया हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कॉमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो का एंजॉय करते हैं। लास्ट आफ्टर शायद एक से डेढ़ महीना के अंदर अभी हम घर जा रहे हैं। न्यू ईयर का छुट्टी मिला, छुट्टी नहीं मिला मतलब जा रहे हैं ऐसे ही। और क्या करता हूँ मैं, कैसे जा रहा हूँ दिखाऊंगा, लेट्स गो। घर को खाली एक हैंडबैग और एक स्कूल बैग लेके जा रहा हूँ, और ये मेरा कबर्ड है, इसको भी ताले लगा दिया हूँ। और ये रहा हमारा कॉलेज का एंट्री गेट, कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। सिटी बस तो नहीं था इसलिए हम ऑटो प्रीफर किए, और यह सुव्रत, और हम जा रहे हैं संबलपुर स्टेशन। हम संबलपुर स्टेशन पहुंच गए हैं और यह है उसका एंट्री गेट। एंट्री आउट मेरे को पता नहीं, पर यह गेट है, हम इससे अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम टिकट काउंटर के सामने खड़े हैं, लाइन पे लगे हैं टिकट काटने के लिए बालेश्वर को। उसके बाद हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 को जा रहे थे, क्योंकि हमारा ट्रेन वहीं पर खड़ा होने वाला था। हमें भूख बहुत ज़ोर से लगा था, इसलिए हम समोसा और चटनी खाए और ये सब स्नैक्स ले गए, ताकि रात में खा सके इसको। और संबलपुर से ट्रेन निकल चुका था और टाइम बजने को जा रहा था करीबन 7:45। एंड एट लास्ट मैं अपने होम टाउन बालेश्वर को करीबन 4 बजे पहुंच गया था। ये मंदिर हमारे गांव का माँ मंगला का मंदिर है। सो एट लास्ट घर को पहुंच गया, वहाँ पर छोटा भाई, मम्मी, वहाँ पर पापा, तो हर वक्त गुस्से से देखते कुछ नहीं तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। गुड नाइट।